No. No. No, 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 no. Hello guys, welcome back in Movies Mania World. क्या ऐसा पॉसिबल है एक टीवी के जरिए 20 साल पहले के लोगों से बात करना और एक पत्नी अपनी पार्टी को नींद में ही मार देता है? क्या ऐसा हो सकता है? अगर आपको इन बातों पर इंटरेस्ट है तो ये सारे सवालों का जवाब आपको हमारे टॉप 5 लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। तो चलते हैं एक ऐसे दुनिया में जिस दुनिया के अंदर बस हम सवालों के बीच खो जाएंगे, क्योंकि एक असली मूवी वो होता है जो हमारे मूवीज़ देखने की एक्सपीरियंस को 100 से भी 100 गुना बढ़ा दे, और ऐसे कहते हैं एक असली मूवी। और अगर आप मूवीज़ को सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि आप एक्सपीरियंस के लिए देखता है तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। और ये सारे मूवीज़ आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा, तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5 पर जो मूवी है 2014 की एस अबव सो बिलो। इस मूवी को एक नॉर्मल कैमरा की तरह शूट किया गया है, पर आप ये कहोगे कि इसमें क्या मज़ा, पर यकीन मानो कि चीज़ें जितना रेयर होता है उसे देखने का एक्सपीरियंस तो एक अलग ही लेवल का होता है। अगर आप मूवी को एक बार देखना शुरू करते हो तो छोड़ ही नहीं पाओगे। मूवी के अंदर एक टीम को दिखाया है, उनका मानना है कि 740 फुट ज़मीन के नीचे नर्क है और उसमें एक पत्थर है जो बहुत ही शक्तिशाली है, और उसे खोजने के लिए ज़मीन के नीचे चला जाता है। और तब वहाँ देखने को मिलता है, वहाँ तो एक अलग ही दुनिया है, वहाँ की हर चीज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन है। और ज़मीन के अंदर का सीन आपको जकड़ के रख देगा, हिलने ही नहीं देगा, आपकी मूवी देखने का एक्सपीरियंस और भी 100 गुना बढ़ा देगा, क्योंकि ये अंधेरा और डर की दुनिया है। और मूवी को खास बनाता है मूवी की साउंड इफेक्ट जो बेहद ही रियल लगता है, और आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 4 पर है 2013 की साइड इफेक्ट। एक लड़की हमेशा अपने ही जान को लेने में ही तुला हुआ है, सुसाइड जैसा चीज़ उसके लिए बस एक खेल की जैसा बन चुका है। आखिर ऐसा क्या चीज़ है जो उसे अपने आप से ही खतरा बनाता है? मूवी के अंदर एमिली नाम की एक लड़की को दिखाया है जो अपने आप में डिप्रेशन का शिकार है, हमेशा उसे खतरा खुद से ही रहता है। मूवी तब सीरियस होने लगता है जब वो अपनी पार्टी को नींद में मार देता है, तब मामला पूरी तरह से बदल जाता है। आखिर उसने अपनी हस्बैंड को किसी पर्सनल रीजन से मारा है या सच में वो होश में ही नहीं था, ये सब एक सस्पेंस से भरा हुआ एक लंबा रिजर होने वाला है। ये मूवी कुछ अदर सीन्स के चलते 18 प्लस की कैटेगरी में आता है, और आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो में देख सकते हैं। नंबर 3 पर है 2018 की मैरिज। ये मूवी अनबिलीवेबल कंसेप्ट पर बेस है, एक टाइम ट्रेवल कंसेप्ट जैसा लगता है पर कोई टाइम ट्रेवल नहीं होता है, और यही यूनिक कंसेप्ट इस मूवी को बियॉन्ड इमेजिनेशन बनाता है। एक औरत टीवी के जरिए 20 साल पहले की टाइमलाइन को बदल देता है, जिसका बाद प्रेजेंट टाइमलाइन की पूरी वाद लग जाता है। उसकी ज़िंदगी एक ऐसा ज़िंदगी बन जाता है जो कभी उसने जिया ही नहीं था, इवन उसके हस्बैंड तक किसी और का हस्बैंड बन चुका होता है। आप ये सब चीज़ कैसे ठीक होगा? क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? ये सब की जड़ वो टीवी है, पर समय के हिसाब से वो टीवी गायब हो चुका था। इस अजीबो गरीब कंसेप्ट को समझने के लिए मूवी को ध्यान से देखना पड़ेगा। पूरी 2 घंटे की मूवी है और आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 2 पर है 2070 की गेट आउट। आप इस मूवी के अंदर सबसे अजीब फैमिली से मिलेंगे और उसकी सोसाइटी से भी, जो अजीब होने का हर हदें पार कर देता है। ये बात है एक अफ्रीकन लड़के की जो एक गोरी लड़की से प्यार हो जाता है, उसके बाद वो लड़की अपनी पेरेंट्स से मिलाने के लिए उसे अपने घर ले जाता है। तब वो मिलता है सबसे अजीब लोग से, जहाँ के लोग बस किसी और ही दुनिया में बसा हुआ था, और ऐसे जगह में उसके लिए एक पर भी काटना बहुत मुश्किल हो रहा था, जहाँ वो भागने की कोशिश करता है
पर वो अपने ही दिमाग में फंस जाता है। आप ये लोग इतना अजीब क्यों है, ये सब चीज़ का एक भयंकर रिजल्ट मूवी के एंडिंग में देखने को मिलता है। और ये मूवी पूरी तरह से सेटिस्फाई परफेक्ट एंडिंग देता है और आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। नंबर वन पर है 2003 की ओल्ड बॉय। आप एक मूवी से कितना एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो, ये हाईली 8.4 रेटिंग वाली ये मूवी आपकी दिमाग की पूरी वाट लगा देगा। मूवी के अंदर एक आदमी को दिखाता है जो 15 सालों से एक रूम में कैद था। 15 साल बाद जब वो उस रूम से निकलता है, वो उस आदमी की खोज में निकल जाता है जिसने उसकी लाइफ की 15 साल बर्बाद कर दिया था। मूवी बीच बीच में थोड़ा स्लो हो जाता है, पर हमारे दिमाग को 440 वोट का झटका देने के लिए बस एक छोटा सा सीन ही काफ़ी है। और आगे जाके ये ही होता है, मूवी की क्लाइमैक्स हमारे धीर और दिमाग से खिलवाड़ करने लगता है, जिसे देखने का बाद आप मूवी देखना ही छोड़ दें, क्योंकि इस मूवी का एंडिंग हर हदें पार कर देता है और बस कहने लग जाओगे कि भला कोई ऐसे सोच भी कैसे सकता है। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, जो भी हो कर देना। और हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड और नई वीडियो में।